सारे जा रहे हैं, आज संडे है। कहाँ घूमने? अब देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। संडे के दिन 9 बज चुका है, निकलते हैं। चिड़ियाघर जाएंगे। 7 बजे सोचा था, 9 बज चुका है। अब देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं, कहाँ नहीं। तो सारे रेडी हो चुके हैं, बस बिल्कुल निकलने वाले हैं। देखो आ चुकी है। आ गया है कानपुर प्राणी उद्यान। तुमको छोड़ के जा। तो पहुंच चुके हैं हम लोग कानपुर जू, और ये पार्किंग पे गाड़ी लगा के सब लोग आए हुए हैं। इसके बाद लेना है टिकट, तो शर्मा जी ले रहे हैं टिकट, और यहीं से एंट्री करनी है। तो टिकट मिल जाने के बाद हम लोग जाएंगे, और मिल चुकी है टिकट, हम सब ने एंट्री कर ली है। और इसके बाद जाते ही सबसे पहले झूले लगे हुए थे, तो बच्चों का तो ध्यान सिर्फ उसी पे चला जाता है। तो सबसे पहले बच्चे ना झूलने लगे, और बच्चों को मैं झूला रही थी, साथ में मेरा भी मन कर गया था, तो मैंने भी फिर थोड़ी देर झूला था। Thank you.
चुके हैं यहाँ पर तेंदुए मतलब पैंथर के केज में। तो ये ना बैठा था, पता नहीं इन लोगों ने इसको खाना नहीं दिया क्या था, मतलब घास खा रहा था और इसके नुकीले दांत होते ना, तो बेचारा घास भी नहीं खा पा रहा था। मुझे देख के इसको इतना तरस आ रहा था। तीन इस केज में है, इसके अपोजिट साइड में भी एक केज जो है उसमें ये है, और इसके बाद भी एक और मिला था, मतलब टोटल 5 पैंथर थे। और 5 पैंथर में से ये लोग ना पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम लोग को देखने के लिए एक ही बहुत है, कम से कम उनको जंगल में छोड़ दो तो बेचारे अच्छे से खा तो सकें। ऐसे था तो बेचारे खाने को नहीं मिलता है। और 5 पैंथर, एक का तो एकदम ना पेट ऐसे चिपका हुआ था एक दूसरे से, मतलब दोनों साइड का पेट एकदम से चिपका हुआ था ऐसा लग रहा था। तो इससे अच्छा है ना कि ना ही रखें अगर नहीं खिला सकते हैं। इस वाले का लग रहा था, मतलब ऐसा पूछे मत हाल, मुझे खुद तरह सा रहा था। मुझे लग रहा था ना कोई भी देखने आएगा उसके लिए एक बहुत है, जंगल में छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से खाएंगे पियेंगे और सही रहेंगे। ओ, तवाकी मिल गया, तवाकी। तवाकी मिल गया। तो आ चुके हैं टाइगर वाली केज में और इस पिंजरे में तो शेर भी एक ही था, पर हाँ वो देखने में अच्छा लग रहा था क्योंकि वो लग रहा था कि बहुत अच्छे से उसे खिलाया पिलाया गया था। पर अच्छा। इसके बाद हम लोग ना हमें और कहीं भी जाना था तो हम यहाँ से फिर वहाँ के लिए चल दिए थे। और इतनी दूर दूर पे बना रखा है कि इंसान चल चल के थक जाए, पैदल चल चल के हम लोग इतना थक गए थे कि और सब जगह फिर देखने का कुछ मन ही नहीं किया बस। और जब हम मॉर्निंग में निकले थे तो काफ़ी धूप थी और अभी बीच में निकल आ रही है, फिर बादल हो रहे थे। और ऐसा ही करते करते ना जब लास्ट में हम लोग पहुँचे तो धूप तो चली गई थी। और हम लोग मॉर्निंग में जल्दी आए थे, जब हम लोग जा रहे थे तो काफ़ी भीड़ हो रही थी और भीड़ होने के साथ साथ मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, तो सबसे अच्छी बात ये रही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।